गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 16% होगा। अगर CI कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 16.64% होता है स्टूडेंट्स। तो कितना अधिक हो रहा है अंतर, 16.64 माइनस 16%, तो ये हो जाएगा 0.64। तो 15,000 की धनराशि है 15,000 बटा 100 इंटू 0.64, पॉइंट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। तो 1, 2, 3, 3 0 से 3 0, 5 2 10, 5 3 15, 64 2 से 32 बार, 32 इंटू 3 96 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में कितनी है, 28/3, और धारा के विपरीत दिशा में और धारा के समान दिशा के में लिए गए समय का 3 गुना होता है। अगर धारा का वेग अगर अपन अगर माने तो वो होता है अक्ष किमी प्रति घंटा अपन मान लेते हैं, ये हो जाएगा धारा की दिशा में, तो a प्लस बी होता है, तो 28/3 प्लस अक्ष, और धारा के विपरीत दिशा में a माइनस बी बराबर 28/3 माइनस अक्ष, तो ये कितना गुना हो रहा है इसका, 3 गुना। तो 3 फिर 28/3 माइनस अक्ष बराबर 28/3 प्लस अक्ष, ये हो जाएगा 28 से 3 गुना, तो ये 3 से 3 3, ये नीचे कट जाएगा 28 माइनस 3 अक्ष बराबर, ये हो जाएगा 28/3 प्लस अक्ष, तो 28 माइनस 28/3 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3 अक्ष इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 3 रे 4 अक्ष, तो ये हो जाएगा 4 अक्ष बराबर 56/3, 4 अक्ष बराबर 56/3, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 14/3। आगे देखें स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3,750 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² 6a² का मान कितना है 3,750, a² बराबर होता है 6 का भाग देंगे 6 × 36, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 1 का मान हो जाएगा 25, तो घन का आयतन a³ 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है 15,625 cm³। आगे देखिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, यदि अक्ष बटा रूट 128 बराबर √162 / अक्ष, तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर √162 × 128, तो अक्ष स्क्वायर बराबर इनका मान हो जाएगा 162 का मान 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 37, 27 × 21 = 162, 162, ये हो जाएगा 162 का मान
अब 128 का मान, तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 64 × 2 = 128, ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर, अक्ष स्क्वायर बराबर। तो 2 का मान 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 जाएगा, 2 की घात हो जाएगी 4 × 8 है, तो 2 की घात 8, और 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 3 की घात कितनी है 4, तो हो जाएगा ए बराबर अक्ष बराबर, अक्ष बराबर 2 की घात 4 × 3 की घात 2, अक्ष बराबर हो जाएगा अक्ष स्क्वायर, अक्ष बराबर हो जाएगा 12, अक्ष बराबर 12। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लाट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी थोड़ी जगह में 10 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से बागवानी की लागत क्या होगी। 340 मीटर, 340 मीटर अगर अपन अगर इसको अगर एक अगर आयत मान लेते हैं अपन, आयताकार ये हो गया, इसके अंदर 1 मीटर चौड़ी, ये हो गया 1 मीटर चौड़ी, अगर अपन अगर वो बाड़ लगाते हैं 1 मीटर चौड़ी, तो ये हो जाएगा 340 × 1 बराबर 340 वर्ग मीटर, 340 वर्ग मीटर, चारों कोनों का क्षेत्रफल का योग, अगर यहाँ पे भी एक कोना 1 मीटर का होगा, यहाँ पे भी एक मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो 340 + 4 बराबर 344, 344 × कितने की दर से, 10 की दर से, तो 3,440। आगे देखे स्टूडेंट्स छठवा क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात कितना है, 18 और 12, चाल का अनुपात कितना है पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, 18 अनुपात 12, तो समय का अनुपात चाल के अनुपात से उल्टा होता है, तो जाएगा 12 अनुपात 18, तो ये 6 से कट जाएगा 2 अनुपात 3। आगे देखे स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, सरल कीजिए 8 8 भाग बड़ा कोष्टक 9 - 5, 9 में से 5 चला गया कितना बचेगा, 9 में से 5 चला गया 4 भाग, मझला कोष्टक 7 - 2 = 5 भाग, 5 भाग, 5 भाग, ये हो जाएगा 5 भाग, ये हो जाएगा 3 + 9 = 24, 3 + 9 = 24, तो ये हो जाएगा 3 से 3 बार, ये 3 से 8 बार, 8 या 24 और 3 27/8, 5, ये हो जाएगा 27/8 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तो ये हो जाएगा 8 भाग 4 भाग, मझला कोष्टक 5, 5 का भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 27/47/27 उल्टा हो जाएगा ना, मझला और बड़ा, फिर 8 का भाग दें, 8 भाग बड़ा कोष्टक 4 भाग भाग देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा 27/40 × 27/40, 4 से ये 10 बार, ये हो जाएगा 8 भाग, भाग की जगह उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 27,
इसका मान हो जाएगा 80/27। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू 6 और 8 दिन में, पी 6 दिन में, क्यू 8 दिन में। आर की मदद से वे इस काम को, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों इस काम को कितने दिन में, 3 दिन में। तीनों का लघुत्तम 8 तिया 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24 8। तो पी की स्पीड कितनी आ गई, 4 की, क्यू की स्पीड 3 की, 4 3 7, तो आर की स्पीड 1 की। कुल मजदूरी कितनी है, 3,200। कुल स्पीड कितनी आ गई, 8 की। तो आर को कितना भाग, 1 भाग, तो 8 से 4 बार आर को मिल जाएगा 400 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवा क्वेश्चन, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। पी क्यू से कितना, 30%। पी अकेले किसी काम को 20 दिन में, पी अकेले किसी काम को 20 दिन में, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। पी एक काम को कितने दिन में, पी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो 30% अधिक कुशल है, मतलब 20/10 × 30, 30/30 मतलब 30% का मतलब 13, 0 से 0, 13 × 26। क्यों को कितने दिन लगेंगे, 26 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, 30 मीटर लंबे कपड़े में से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेच दिए जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष है। कपड़ा कितना मीटर था, 30 मीटर, 30 मीटर, मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 30 × 100, 30 × 100 3,000 सेंटीमीटर। कितने मीटर का माप वाले, 225 मीटर माप वाले कितने कपड़े, 12 कपड़े, तो 2250 और 527 मीटर, 2700 सेंटीमीटर, 2700 सेंटीमीटर। तो 3000 − 2700 = 300 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 300 = 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर बचा, तो 300 बचा है। कुल कितना कपड़ा था, 3000, 300 बटा 3000, तो ये हो जाएगा 1/10। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, 36/225, 48/150 और 72/85 का एलसीएम। तो अगर भिन्न का अपन को एलसीएम निकालना रहता है, तो 36/225, 48/150 और 72/85 का एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, 36 और 48 का। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 144 और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ आएगा 5, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144/5। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 513, 1107 और 783 का मैसेप है, 513, 1107 और 783 का मैसेप है। तो अपन इनमें 513, 1107 और 783 का मैसेप है, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 सात 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9 2, 3 6 18, 3 नाम 27, 3 2 6, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 सात 21, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21, फिर जाएगा 3 से, 19 57, 41 और 29। इसका एच सी एफ आ जाएगा 3 × 3 × 3, एच सी एफ आ जाएगा 27। आगे देखे स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन,
22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है? अगर अपन 100 मान लेते हैं तो 17% का लाभ, तो 100 प्लस 17% मतलब 117, और 22% की छूट दे रहा है तो 117 किसके बराबर हो जाएगा? 117 हो जाएगा 78 के बराबर, इंटू 100, 13 पंजे 65, 13 6 78, ये 6 बार ये चला जाएगा, 9 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये चला जाएगा इससे 50 बार, 50 × 3, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100, और इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 150, तो कितना अधिक रखेगा? 50%। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौदवा क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। तो 1/3 संख्या, अगर अक्ष मान लेते हैं, अक्ष बटा 3 माइनस अक्ष बटा 4 का अंतर कितना है उसके वर्गमूल के बराबर है? तो ये हो जाएगा अक्ष, ये हो जाएगा इधर लघुतम आ जाएगा, 4 3 12, 4 अक्ष माइनस 3 अक्ष बराबर √अक्ष, तो ये हो जाएगा अक्ष बटा 12 बराबर √अक्ष, दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करने पर ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बटा 144 बराबर अक्ष, तो अक्ष का मान हो जाएगा 144। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 3, ए बटा बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3, तो ये हो जाएगा 3A, 3A बराबर बी प्लस सी, अब ए का मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, ये हो जाएगा ए का मान। अगर आगे वाला दूसरा समीकरण, सी बटा ए प्लस बी का मान हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा 7 सी बराबर 5A+5B, तो ये हो जाएगा, ए का मान, इसके अंदर भी ए का मान हो जाएगा 7 सी माइनस 5B/5, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को बराबर करने पर, आ जाएगा बी प्लस सी बटा 3 बराबर 7 सी माइनस 5B/5, तो ये हो जाएगा 5B, ये तिरछा मल्टीप्लाई, 5B/5C/21, साथ ही 21C-15B, ये हो जाएगा माइनस का 16C/ माइनस का 20B, तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा 4C/5B, तो C/B हो जाएगा, C का मान 5 और B का मान 4, C का मान 5 और B का मान 4, तो A का मान हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 3, A का मान हो जाएगा 3, किसका मान पूछा है? B, B कितना है? 4 अनुपात, सी प्लस ए, सी कितना है? 5, और ए कितना है? 3, 5 और 3 8, 4 अनुपात 8, ये हो जाएगा 1:2। आगे देखें स्टूडेंट, 16वां क्वेश्चन, रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है, ट्रेन पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है, कितने सेकंड में? 60 सेकंड में, 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है, ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री को क्यू को 40 सेकंड में पार करती है, बाद में गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है, तो उनकी चालों का अनुपात।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 है। घन की सभी भुजा कितनी होती है? 12। 12 ए बराबर 48, ए बराबर 4, ए बराबर 4। तो घन का आयतन ए क्यूब, तार का क्यूब, तार का क्यूब कितना होता है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी, मतलब 100 से कितनी? 200। 100 बढ़ रही है कितने साल में? 4 वर्ष में, मतलब 25% की दर से। तो यह राशि समान ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुनी, मतलब 100 से 1600, कितनी बढ़ रही है? 1500। एक साल में कितनी बढ़ रही है? 25, 1500 बटा 25, तो ये हो जाएगी 60 वर्ष में, 60 वर्ष में। आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। पांच, इस सुंदर SUNDER और सीमा SEEMA की आयु का अनुपात कितना है? 5:4। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:9। तो 9 5 45, 11 4 44, अक्ष बराबर, 11 3 33 और 9 3 27, 33 में 27 लग गया 6। तो सीमा की वर्तमान आयु, सीमा की 6 × 4 24 वर्ष। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, एक वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु कितनी है? 12। वर्तमान आयु का योग, तो 2:3 एक वर्ष पहले था, वर्तमान आयु कितनी है? 12। तो 12 माइनस 2, 2 वर्ष घटा देंगे दोनों का, एक एक वर्ष, तो 10 वर्ष। तो इसका था 6 और इसकी थी आयु 4, उनकी वर्तमान आयु, तो ये हो जाएगी एक साल पहले, एक साल पहले और वर्तमान, वर्तमान के अंदर एक एक साल अपन जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, सरल कीजिए बड़ा कोष्टक 18 भाग 2। 18 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9। 18 में 2 का भाग अपन अगर देते हैं तो आ जाएगा 9 प्लस 5 × 3 15, बड़ा कोष्टक बंद, भाग 5 × 3 15 माइनस, 18 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9। तो 15 और 9 24 भाग, 15 माइनस 9 6, 24 में से 6 चला गया तो 24 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 4। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य से 23% अधिक मूल्य पर बेचा गया, विक्रय मूल्य 14,022 है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो कितने अधिक पर? 23% अधिक पर, तो 123 में, तो 14,022 बटा 123 × 100, 14,022 बटा 123 × 100, तो ये कितनी बार कटेगा? 114 बार, तो 10,400 वस्तु का मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। आगे देखें स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, यदि 128 का 25/8%, तो 108 बराबर अक्स के बराबर है, तो 128, 128 का मतलब इंटू 25/8 प्रतिशत, प्रतिशत नीचे है प्रतिशत, तो प्रतिशत ये इसमें आ जाएगा बटा में, तो बराबर अक्स के बराबर है, अक्ष बराबर हो जाएगा 25 × 16 बटा 100, 25 × 16 बटा 100, तो ये 25 से 4 बार
16 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4%। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।